अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइमा हामिद। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का कोर्स कोड 8608 से रिलेटेड आपके लेसन प्लान्स जो आप लोगों ने बनाने हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। टीचिंग प्रैक्टिस 2 जो है आपकी, उसमें आपने 40 लेसन प्लान बनाने हैं, तो इसमें मैं जो है आप लोगों के साथ शॉर्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रही हूँ। आज जो मैं इस वक्त इस वीडियो में लेसन प्लान डिस्कस करूँगी उसमें कुछ इस तरह से है कि हम जनरल साइंस के हवाले से लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे। एक तो जब आप लेसन प्लान बनाएं उसमें टॉपिक की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि उसमें कुछ आप ऐसा मटेरियल ऐड कर सकें जिससे आपका लेसन प्लान जो है वो स्टैंड आउट करे और आप ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो जनरल साइंस में आप तमाम वो टॉपिक्स ले सकते हैं जिनमें डायग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह के हैं। ये सब जो हैं आपको जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स देते हैं और इनको बनाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला सेक्शन जो है जिसमें आपका नाम आता है, क्लास आती है, रोल नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, कोर्स कोड डे, ये प्रिलिमिनरी सेक्शन कहलाता है। इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में ये वाला सेक्शन जो है आपने हर लेसन प्लान के स्टार्ट में लिखना होता है। आपका ज़ाहिर है नेम और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोड सेम रहता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है, डेट डे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्लास जो है वो वेरी करती है, साथ ही साथ आपका टॉपिक वेरी करता है। तो इसको जो है आप हर लेसन प्लान के स्टार्ट में जो है आप लेकर आएंगे और फिर जो है इसे आगे जो है आप कंटिन्यू करेंगे। मेरा फर्स्ट लेसन प्लान जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में है। इसमें जो हेडिंग्स आप इस्तेमाल करेंगे उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स एंड द लेयर्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफाइन शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, इन चीज़ों को जो है आप इसको लेके जा रहे हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो है इसका पहला हिस्सा होगा। जी, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, एवीएट्स वगैरह, इस तरह के आप जो है हेडिंग्स के साथ लेके चलते रहेंगे। ये सेम पैटर्न के फिर जो है वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी। इंट्रोडक्शन की हेडिंग में आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है उस टॉपिक के हवाले से जो कि आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी सी है, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस के हवाले से, इसका भी आप जो है वो स्क्रीन शॉट ले लें। और प्रेजेंटेशन में जो है आप उतनी किस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ये भी आपको सारा कॉन्टेंट जो है जिस भी बुक से आप पढ़ा रहे हैं वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ आई के हवाले से मैंने इसकी सिलेक्शन इसीलिए की है क्योंकि इसमें जो है वो फिगर है। तो आप लोग जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा अपने लेसन प्लान्स में शामिल करें, कलरफुल फिगर्स बनाएं। जैसे इस दफ़ा आपने हैंड रिटन सबमिट कराना है तो आप लोग जो है कहीं से बुक से फोटोकॉपी करा के या कलर जो है करा के या गूगल से आप डाउनलोड कर लें कुछ पिक्चर्स, उनका प्रिंट ले लें, उनको भी जो है जस्ट आप कट पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। अच्छा, ये वाले जो लेसन प्लान्स हैं मैंने बड़ी जल्दी में बनाए हैं ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप लोगों के पास टाइम कम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसमें थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो आप देख लीजिएगा और वैसे भी वो आपको पता चली जाएंगी यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन और थोड़ी डिटेल के बाद जो है आपने इवेल्यूएशन की हेडिंग देनी है, देन होमवर्क की। यही वाली सारी हेडिंग्स जो हैं हमारे नेक्स्ट लेसन प्लान्स में भी चलेंगी। ठीक है जी, अब हम लेसन प्लान 2 की तरफ जाते हैं। इसमें फिर वही प्रिलिमिनरी सेक्शन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, एवीएट्स आपके सामने, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज जो है उसके रिलेटेड कुछ आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, इसके भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आप अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको बुक से मिल जाएगा जिसके जिस क्लास से भी आप पढ़ा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन वहाँ से ले लेंगे, प्रेजेंटेशन ले लेंगे वहाँ से। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को आप ज़रा डिफाइन कर लेंगे ज़रा एलैबोरेटली। इनवर्टिब्रेट्स फिर जो आप इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं ना, आप जो है बच्चों को फ्लैश कार्ड्स या प्लैकर्ड्स वगैरह दे दें, उसमें से वो चूज़ कर लें, जैसे पर्चियाँ चूज़ कर लेते हैं, कुछ पे इनवर्टिब्रेट्स के नाम लिख लें, कुछ पे वर्टिब्रेट्स के नाम लिख लें। फिर जो है बच्चों को कहें कि जिनके पास जो है वो ऐसे जो है वो एनिमल्स के नाम आए हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं वो एक साइड पर इकट्ठे हो जाएँ, दूसरी साइड पर जो है इनवर्टिब्रेट्स वाले इकट्ठे हो जाएँ स्टूडेंट्स। फिर आप उनकी पर्चियाँ चेक करें, देखें कि वो रेलिवेंट ग्रुप में मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप करा सकते हैं। एनिमल
फाइला। अब जो है आप इसको भी मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया था कि इसमें हम जो है वो डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आप जो है डायग्राम्स कहीं से भी ले सकते हैं, जो बुक्स हैं उनसे भी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ख़ुद जो है वो अगर आपकी ड्राॅइंग अच्छी है तो आप ख़ुद बना भी सकते हैं, या फिर आप लिस्ट डाउन कर लें ग्रुप नंबर 1 वर्टिब्रेट्स, ग्रुप नंबर 2 इनवर्टिब्रेट्स, नीचे जो है वो लिस्ट ऑफ एनिमल्स दे दें। हाँ जी, एवेल्यूएशन और होमवर्क जो हमारे हैं, एवेल्यूएशन इज़ सेकंड लास्ट हेडिंग एंड होमवर्क इज़ द लास्ट हेडिंग। तो इस तरह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल साइंस के टॉपिक्स को अपने लेसन प्लान्स के लिए। लेसन प्लान नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेसन प्लान नंबर 3 जो है उसमें वही पहले प्रिलिमिनरी सेक्शन है, यहाँ पर टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में है। ठीक है जी, चलते हैं जी। ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। प्रीवियस नॉलेज के आपके पास यहाँ पर दो लाइंस आ रही हैं, दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे आप रख लीजिएगा जी। व्हाट इज़ सॉइल, डिफरेंट कलर्स ऑफ सॉइल इन द सराउंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द सॉइल, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है, फिर इंट्रोडक्शन आप लिखें, जो डिफरेंट जो है जिस भी लेवल का आपका होगा ना उस हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन और डिटेल्स और प्रेजेंटेशन आएंगी। ठीक है जी, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लें। ये इसकी भी जो है ना नेचर ऑफ सॉइल के हवाले से भी मेरे पास फिगर मौजूद थी, इसी वजह से मैंने ये वाला टॉपिक सेलेक्ट किया। तो आप देख लें, जो आप फिगर्स आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें। उन टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करें, जितनी खूबसूरत आप फिगर्स बनाएंगे, जितना उसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपको पता है जनरल साइंस में इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं जी। ये देखें, सैंड है, लॉम है, क्ले है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है इसमें भी आप थोड़ी सी इसको डिस्कशन के बाद एवेल्यूएशन और होमवर्क है। ये हमारी जो है लेसन प्लान नंबर 3 जनरल साइंस का ख़त्म हुआ। पहला जो है हमारा ह्यूमन आई के बारे में था, दूसरा जो है हमारा वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, तीसरा जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। चलें देखते हैं लेसन प्लान नंबर 4 जो है वो किस बारे में। लेसन प्लान नंबर 4 जो है वो वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल जो है वो 4th में भी है, 5th में भी है, 6th में भी है, डिफरेंट जनरल साइंस में भी, और फिर जाके आगे जो है वो 9th-10th में भी आ जाता है, नाइट्रोजन साइकिल या ऐसा। तो ये वाटर साइकिल आपको जो मैंने बताया है इसमें डिस्कस किया है, आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। जो डिस्कस किया है उसका मतलब ये है कि इसी पैटर्न पे आप जो है नाइट्रोजन साइकिल भी लिख सकते हैं, कार्बन साइकिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे ये डिस्कस करने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको ह्यूमन आई का बताया तो आप जो है वो ईयर का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ले सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैटर्न के ऊपर। और बड़े कॉमन से टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि इन्हें आप अट्रैक्टिव आराम से बना सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा एक टॉपिक है, वो आप जनरल साइंस का ले सकते हैं जी। आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे हैं उसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, अब वाटर साइकिल जो है उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहे हैं चीज़ों को। आगे जो है वाटर साइकिल की फिगर है और फिर जो है वही आपकी एवेल्यूएशन है और एवेल्यूएशन के बाद होमवर्क है। चलें जी, ये देखें, ये वाटर साइकिल की आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप इसकी कोई पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, एवेल्यूएशन एंड होमवर्क। ठीक है जी, अब हमारा देखते हैं हम लोग लेसन प्लान नंबर 5 किसके बारे में। लेसन प्लान 5 जो है वो हमारा ह्यूमन ईयर के बारे में। ह्यूमन ईयर के भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा जो कि स्ट्रक्चर ऑफ आया था। पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने 3 रखे हैं, उसके बाद टीचिंग मेथड्स हैं, फिर अनाउंसमेंट प्रेजेंटेशन है। देख लेते हैं जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन है, फिर ह्यूमन ईयर की थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया गया है। फिर जो है आगे इसकी फिगर जो है वो बनाई गई है, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेती हूँ जी। इसकी फिगर बनाई गई है,
डिजीज़ जैसे हमने आई में शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस ली थी, इसी तरह से इसमें जो है इसकी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं ह्यूमन एयर की, उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। उसके बाद आपकी इवेल्यूएशन है और फिर होमवर्क है। ये हमारे 5 लेसन प्लान्स थे जो कि मुझे मैंने आप लोगों के लिए बनाए, जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से जनरल साइंस से रिलेटेड जो है आप टॉपिक्स के ऊपर लेसन प्लान्स बना सकते हैं। मेरी अगली वीडियोज़ में उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से भी रिलेटेड जो है वो मैं लेसन प्लान्स आप लोगों के साथ जल्द ही डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।